हेलो एवरी वन हाउ आर यू आई एम पीयूष गुप्ता चार्टेड अकाउंटेंट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ और हम स्टार्ट करेंगे आज मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट होता क्या है एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग एंड गोइंग टू आवर बुक्स वी विल लर्न कि मैनेजमेंट डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं तो ठीक है सर आप हमें दो एग्ज़ाम्पल्स दो आज फिर से ओके टू एग्ज़ाम्पल्स फॉर योर मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम डेली लाइफ में करते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल कि आप एक आप फाइव या सिक्स फ्रेंड्स हैं आपका प्लान बनता है कि आज हम शाम को मूवी देखने जाएंगे हाँ सर आज तो मूवी देखना पक्का हो गया अब आपने कह दिया है तो ओके ओके तो शाम को हम मूवी देखने जाएंगे अब क्या होता है आपको आइडिया है जब फाइव और सिक्स फ्रेंड्स का बनता है तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है कोई कहता है लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करता है कोई कहता है कि तुमने हमें तो बताया नहीं था कि कहाँ आना था कैसे था और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस चीज़ को मैनेज करना भी एक मैनेजमेंट कहलाता है अब क्या करते हैं आप एक सबसे पहले आप डिज़ाइन करते हैं मैनेजमेंट का अपनी प्रोसेस का आप कहते हैं कि ठीक है हम क्या करेंगे कि इस टाइम पे इस, इस फ्रेंड को लेके जाना है सबसे पहले तो हम करते हैं कि इस फ्रेंड को नहीं लेके जाना परेशान करता है इस फ्रेंड को लेके जाएंगे ओके इसको सबसे पहले हम कॉल करेंगे कॉल करके उसको कहेंगे कि ठीक है शाम का ये टाइम है अब साढ़े का शो है तो डेफिनेटली आधा घंटा पहले पहुँचना पड़ेगा हमें और कुछ लेट भी करते हैं तो हम उस चीज़ को मैनेज करके चलेंगे ठीक है फिर हमने अब क्या हुआ उसको इम्प्लीमेंट करना डिज़ाइन कर लिया हमने कि कब किसको कॉल करनी है कब किसको कहना है कि कहाँ पे आना है कैसे पैसे लेने हैं सब अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक या दो पर्सन जो है बाकी पूरे ग्रुप पर्सनस को जो बाकी आपके पूरा फ्रेंड सर्कल है ग्रुप है उसको मैनेज करता है कि ठीक है अब अब आपने कॉल करी है अब ठीक है आप इस टाइम पे आ जाओ वहाँ पे पैसे पहले इस टाइम पे जमा कर देना वहाँ पे टिकट लेना है तो टिकट लोगे तुम टिकट एंट्री तुम लेट आते हो तो तुम डायरेक्ट अंदर आ जाना वहाँ से टिकट कर लेना एटसेट्रा एट्सेट्रा ओके तो यहाँ पे दो पर्सन ने या एक पर्सन ने पूरे ग्रुप को मैनेज करा जिनका मकसद क्या था मूवी देखना ओके अब बात करता हूँ मैं सेकंड एग्जांपल की सेकंड एग्जांपल अब हम लेते हैं अपने घर का घर में हमारी मदर जो है वो पूरे घर को मैनेज करती है हाँ सर अगर वो मैनेज ना करें तो बस फिर तो कुछ नहीं ठीक <laughs> है ना हमारी जो मदर है वो पूरे ग्रुप को मैनेज पूरे घर को मैनेज करके चलती हैं अब उसमें आपके ब्रदर सिस्टर आपको आपके फादर और मदर का अपना खुद का डेली का वर्क वो मैनेज करती हैं कि सुबह कैसे ब्रेकफास्ट देना है कब देना है क्या प्रिपेयर करना है फादर को अलग से क्या देना है किसको क्या सामान है कपड़े आपके आपके पास अवेलेबल हों और क्या बनाना है खाने में कैसे क्या, क्या कैसी फाइनेंस भी घर पर अक्सर मदर्स हैंडल करती हैं तो बहुत कुछ वो मैनेज करके चलती हैं तो वो क्या कर रही हैं आपके थ्री या फोर पर्सन जो है आपकी फैमिली के उनके पूरे ग्रुप को आप मैनेज करके चल रही हैं ठीक है थीके? अब हम बात करते हैं कंपनी की इसी एग्ज़ाम्पल से यही मैनेजमेंट जो है आपकी कंपनीज़ में भी एप्लीकेबल होता है टॉप लेवल की कंपनीज़ ही हमारे माइंड में आती हैं जब हम कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो उस कंपनी में क्या होता है बहुत सारे लोग हैं अब इतने सारे लोगों में उनको मैनेज करना कि कैसे किसको क्या करना है कब करना है कब हमारा वर्क हमारे पास कंप्लीट होके आ जाए सब चीज़ों को मैनेज करना इजी नहीं होता और ये किसी एक पर्सन के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि बड़ी कंपनी में एक पर्सन अकेला सब कुछ मैनेज कर ले तो इसलिए बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करता है उसको हम कहते हैं मैनेजर ठीक है तो उसमें कंपनी में आपके वर्कर होते हैं वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर फिर उनके सीनियर उनके सीनियर इस तरह से करके हिरारकी आपकी कंप्लीट होती है अब उन ग्रुप को मेंटेन करना एक वर्कर जो हैं वो उनके मकसद होता है कुछ पूरी कंपनी का मोटिव है अपनी सेल हाई करना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना अपनी रेपोटेशन बढ़ाना पूरी कंपनी का गोल ये वर्कर से लेकर सीनियर तक का हर किसी का गोल होता है फिर उसके सब डिवाइडेड हो जाते हैं एक ग्रुप बन गया आपका उसका एक प्रोडक्शन में होता है जो मैनुफैक्चरिंग वाला होता है कंपनी में मैनुफैक्चरिंग हो रही है तो उनका गोल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें विद अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करें और टारगेट को अचीव कर लें इसी तरह से कुछ होता है सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है उनका टारगेट होता है उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल करें और अच्छे से अच्छा क्लाइंट हम लेके आए ठीक है सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है तो वो मैनेजमेंट इन ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो इंडिविजुअली इंडिविजुअल्स हैं हर एक पर्सन को जो क्या कर रहे हैं ग्रुप में वर्क कर रहे हैं उनके लिए उनको मैनेज करता है ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उन लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो टाइमली अचीव हो जाए एफिशेंटली अचीव हो जाए ठीक है अब हम देखते हैं डेफिनेशन अब डेफिनेशन में कुछ भी नहीं बचा है, जो मैंने आपको बताया है आपको क्लियर हो गया अब बस उसको लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है मैं आपको लैंग्वेज से पढ़ा देता हूँ यहां पे बात आती है मैनेजमेंट जस्ट होल्ड अ सेकेंड हाँ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है क्या है प्रोसेस है प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस एक मेथड है कि किस तरह से क्या क्या करना है उस चीज़ का एक कंप्लीट प्रोसेस है मैनेजमेंट करना एक प्रोसेस होता है ना कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करें क्या क्या करना है मेथड है किस चीज़ का प्रोसेस है किस चीज़ का डिज़ाइनिंग डिजाइन Design करने का मेंटेनिंग मेंटेन maintain करने का क्या मेंटेन करने का एक एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट मेंटेन करने का इन विच जिसमें एक एनवायरनमेंट कंपनी एक एनवायरनमेंट हो गया जिसमें सात ब्लॉक काम कर रहे हैं इन विच इंडिविजल जो अलग अलग लोग हैं वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स वो क्या करते हैं ग्रुप में काम करते हैं हर कोई कंपनी अपने आप में एक ग्रुप हुआ है ना जिसमें अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वही सब जैसे आपके एग्जाम्पल में क्या था उसको चलो मैं इसके बाद लेता हूँ वर्किंग together इन ग्रुप एफिशियंटली अकम्पलिश सेलेक्टेड एम्स किस लिए करते हैं ताकि उनका जो एम है वो एफिशियंटली एकम्प्लिश हो जाए मिल जाए तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं आपने डिज़ाइन करा था कि हम इस पर्सन को ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट करेंगे वहाँ पर ये पर्सन मिलेगा और वो ये टिकट लेगा एंड ऑल फिर उसको आपने मेंटेन करा उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करा इंप्लीमेंट करा कि एक्चुअल में उसको फॉलो करा जिसमें क्या था कौन सा एनवायरनमेंट जिसमें उस एनवायरनमेंट को जिसमें इंडिविजुअली आप सब फ्रेंड्स एक ग्रुप में काम कर रहे थे ग्रुप क्या था मूवी देखना जिसका ऑब्जेक्टिव था मूवी देखने का तो उस ग्रुप को इंडिविजुअली को उन्होंने कैसे मैनेज करना है आपने उसके लिए डिज़ाइन करा मेंटेन करा एक एनवायरनमेंट रीज़न क्या था टू एफिशिएंटली अकम्पली सेलेक्टेड एम जो आपका अपना मकसद था कि पिक्चर स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर देखने को मिले तो उस ऑब्जेक्टिव को आपने एकम्पलिश कर लिया तो so, सेम आपके बिजनेस में होता है कि उनका मकसद जो होता है कि हाई प्रॉफिट लेना क्वालिटी सर्विस देना उसको अकम्पलिश करने के लिए वो सारे लोगों को उस एक एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको डिज़ाइन करते हैं मैनेज करते हैं ओके आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसी क्वारी रही होगी अगर फिर भी रहती है आप कमेंट बॉक्स में डालें उसको पुट करें अपनी क्वारी रेज करें मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वारी का रिप्लाई दे सकूँ ओके okay? थैंक यू और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी हों वो आपको मिलती रहें बाय